ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਐਸ ਬਾਲੀ ਜੀ ਯੁਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਸਭੀ ਸਾਥੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਕੇ ਸਭੀ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਗਣ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ मेरे भाई त्रा मेरे प्रा आप सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। आप सब मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए चुनाव आ गया है, इधर आ जाइए। चुनाव आ गया है और मेरी तरह हर पार्टी के नेता आपके सामने आकर मंच पर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मैं भी चुनाव के संदर्भ में आई हूं और कुछ समय से मैं देख रही हूं कि दूसरी पार्टी के लोग क्या क्या कह रहे हैं। जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दोनों पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये पंजाबियत को कैसे समझेंगे। पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पंजाबियत एक जज्बा है। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई। मैं बताऊं पंजाबियत क्या है। पंजाबियत वो है कि मेरी जो बड़ी सासू माँ है, मेरे ससुर जी को जब वो 6 साल के थे यहाँ कंधे पे यूं दुपट्टे में बांध कर छतों से टाप टाप कर सियालकोट से उसको बचा के लाई। ये है पंजाबियत। पंजाबियत मेरे ससुर जी जो सब कुछ छोड़ के बंटवारे के समय सब कुछ छोड़ा उन्होंने, यूपी के एक मुरादाबाद शहर में अपनी मेहनत से शुरू से अपना बिजनेस बनाया, खून पसीने से बिजनेस बनाया, अपने परिवार की परवरिश की। यह है पंजाबियत। पंजाबियत सेवा है, पंजाबियत सच्चाई है, सद्भाव है, मेहनत है और खुददारी है। पंजाबियत यह है जो किसी के सामने नहीं झुकती, सिर्फ मालिक के सामने झुकता है पंजाबी। आज जो राजनीतिक दल जिनके नेता आपके सामने आकर पंजाबियत पंजाबियत के बात करते हैं, उनमें से एक तो बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुका है और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी, वह सिर्फ सियासत सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगा। ये सच्चाई है और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ये सच्चाई आपको समझाना चाहती हूँ। आप में बहुत विवेक है, बहुत समझदार हूँ मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ आपकी राजनीति में क्या क्या हो रहा है। देखिए पूरी तरह से देश में अमीरों के लिए राजनीति चल रही है। अगर आप देखें कि यहाँ पठानकोट में कितनी छोटे छोटे बिजनेस हैं, मध्यम बिजनेस हैं, दुकानदार हैं जो अपनी रोजी रोटी चैन से कमाते थे, आज उनकी क्या परिस्थिति है। आज परिस्थिति यह है कि नोटबंदी लाई गई, जीएसटी थोपा गया, कोरोना और लॉकडाउन आया, लेकिन आपके लिए कोई राहत नहीं आई। कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय आपने इतना संघर्ष किया, केंद्र सरकार से भाजपा की सरकार से कोई राहत नहीं आई स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए, किसी ने मदद नहीं किया। रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, रोजगार आते कहां से थे, बड़े बड़े पीएसयू से आते थे, रेलवे बीएचईएल इस तरह के पीएसयू से, सारे के सारे पीएसयू बेच डाले। किसको बेचे? उन्हीं दो उद्योगपतियों के सामने को बेच दिए जिनके सामने आप रोज रोज झुकते हैं, बेच दिया आपने। और जो नहीं बेचे हैं उनको बेचने की योजना कर रहे हैं। रोजगार कहाँ से आएंगे? आप कहते रहते हैं, ऐलान करते रहते हैं, हम रोजगार पैदा करेंगे, इतने साल हो गए कोई रोजगार पैदा नहीं हुए, सारे नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं।
किसानों को लीजिए, किसानों के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे थे जो किसान के खून पसीने की मेहनत की कमाई उन्हीं उद्योगपतियों को देने जा रही थी। ये थे कानून, आप सब उसको अच्छी तरह से समझे। आपने आंदोलन किया, जो प्रधानमंत्री कल यहाँ पठानकोट आए चुनाव के लिए, वही प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर 5-6 किलोमीटर नहीं आ पाए उन किसानों से मिलने के लिए। एक साल उनसे आंदोलन कराया, अमेरिका गए, कनाडा गए, पूरी दुनिया में भ्रमण किया, अपने लिए 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए। किसान, गन्ना किसान का जो बकाया है 14,000 करोड़ है पूरे देश का, वो नहीं दिया, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए, पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिए, लेकिन किसानों से नहीं मिल पाए। एक भी बार अपने घर से नहीं निकले, आए नहीं, पूछा कि किसान भाई खड़े हैं, मैंने खड़ी हैं, एक साल हो गया है, शहीद हो चुके हैं 700 किसान, लेकिन पूछने कोई नहीं आया कि आपके क्या हाल चाल है, क्यों आप इन कानूनों से इतने दुखी हैं, त्रस्त हैं, कुछ नहीं पूछा। उल्टा उनके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तभी कार्रवाई हुई, जब हम उन परिवारों से मिलने जाना चाह रहे थे तो हमें रोकने के लिए हजारों पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन जब वो मंत्री का बेटा उनको कुचल रहा था तो एक भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। ये हालात है भाजपा की। आज कल पता चला कि उसी मंत्री की के बेटे की जमानत भी हो गई है, वो रिहा भी होने जा रहा है। उसके पिताजी के साथ नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे खड़े होते हैं आज भी। कोई शर्म नहीं है जी, कोई शर्म नहीं है, कोई पंजाबियत की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझ नहीं है। तो आपके सामने जो बातें हो रही हैं वो सच नहीं है, खोखली बातें हैं, उनकी नीयत खोटी है, झूठ है ये बातें। सब कहते हैं, कोई कहता है धर्म के आधार पर वोट दीजिए, कोई कहता है सुरक्षा के आधार पर वोट दीजिए, कोई आपकी आस्था का इस्तेमाल करता है, कोई आपको असुरक्षित महसूस कराना चाहता है ताकि उसके आधार पर वोट मिले, लेकिन कोई विकास के बारे में नहीं बोल रहा है, कोई आपकी समस्याओं के बारे में नहीं बोल रहा है। सब कहते हैं नई सरकार देंगे, अरे पहले एक सरकार तो चलाइए। आपको मालूम है दिल्ली में पुलिस भी इनके अंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी के अंडर। जब पुलिस ही आपके अंडर नहीं है तो आपने तो पूरी सरकार कभी जिंदगी में चलाई नहीं है। आप पंजाब आकर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर देंगे, आप पंजाब आकर कौन सी सरकार चलाएंगे। आपकी तो ऐसी सरकार है जो एक भी फाइल पास नहीं कर सकती। एक बिल आया मोदी जी ने, भाजपा ने एक बिल करवाया, पास करवाया, उसके जरिए आप तो फाइल भी खुद पास नहीं कर सकते बगैर उनकी इजाजत से। सरकार आपने चलाई नहीं है। आप पंजाब आके कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नई सरकार देंगे। देखिए, आपने वो कहावत सुनी है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है, मैं बताती हूँ कैसे। दोनों का जन्म कहाँ से हुआ? आरएसएस से। एक आरएसएस से उभरे, दूसरे ने एक आंदोलन किया हमारी सरकारों के खिलाफ जिसका पूरा समर्थन आरएसएस ने किया था। एक ने आपको गुजरात मॉडल दिया, 2014 में पूरे देश ने उनपे आस्था, अपनी आस्था डाली, उनमें गुजरात मॉडल बोला और उनको वोट देके जिताया। कौन सा गुजरात मॉडल देखा है आपने देश में? उनका अब गुजरात मॉडल हो गया है, 2 गुजराती उद्योगपति हैं उनके, उन्हीं पर मॉडल चल रहा है, पूरा देश बेचा जा रहा है उनको। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, विकास की कोई बात ही नहीं है। अब दूसरे कह रहे हैं कि आपको दिल्ली मॉडल दिखाएंगे। मैं दिल्ली की हूँ, मैं बताती हूँ दिल्ली मॉडल। कोरोना में आपने देखा क्या हुआ, क्या हुआ दिल्ली में? सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे थे, सड़कों पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सुविधाएं नहीं थी। क्यों? अगर इतनी बड़ी काम किए हैं इन्होंने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बनाई हैं, तो क्यों नहीं दिखी उस समय?
शिक्षा के संस्थान कितने बनाए हैं इन्होंने? ना मोदी जी ने बनवाए हैं, ना केजरीवाल जी ने बनवाए हैं। मोदी जी ने आपको एक वचन दिया था 15 लाख रुपए मिलेंगे, किसको मिले जी? हाथ उठा लीजिए, दिखा दीजिए, किसी को मिले 15 लाख? नहीं मिले ना। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपको 7 लाख रुपए तक आपका फायदा होगा। इसी तरह से मोदी जी विज्ञापनों पे हजारों करोड़ रुपए खर्चते हैं। अरे जहां जाइए वहां पे विज्ञापन दिखेगा। मैं यूपी में काम करती हूँ, विज्ञापन तो ऐसे बना रखे हैं जैसे यूपी में न जाने क्या क्या विकास हुआ है। रोज रोज मैं गांव में जाती हूँ, किसी की रोजी रोटी नहीं कमाई जा रही है, किसी की महंगाई का सामना नहीं हो रहा है, बच्चे शिक्षित हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन विज्ञापन बहुत सुंदर है। उसी तरह से केजरीवाल जी ने भी बहुत बढ़िया बड़े बड़े खर्चे हैं, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पे। किसान कानून बनाया किसने? बड़े मियां जी ने। और सबसे पहले लागू करने वाले, उसको नोटिफाई करने वाले कौन? छोटे मियां। आंगनवाड़ी आशा बहुएं सब दुखी, चाहे बड़े मियां जी की सरकार में चाहे छोटे मियां जी की सरकार में। आज भी आंदोलन, कल भी आंदोलन कर रही थी, सब सड़क पे बैठी थी। केजरीवाल जी ड्रग माफिया के सामने झुक गए। उन्होंने कहा आपको खूब रोजगार मिलेंगे। मोदी जी ने तो कहा था 20-25 लाख रोजगार देने वाले थे, तमाम बेरोजगार पड़े हुए नौजवान हर प्रदेश में। केजरीवाल जी ने कितने रोजगार दिए आपको मालूम है अपने राज्य में? बताइए, 440 नौकरियां दी हैं, 440 बस पूरे अपने पूरे सालों के राज में सिर्फ 440 नौकरियां दी हैं। ये हालात हैं। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी हैं, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब, और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने कि सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। पैसों का इस्तेमाल, आतंकवादियों के पास चले जाएंगे, धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल, लेकिन ये आपके विकास के लिए नहीं है, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद के विकास के लिए। अब हम आपको कह रहे हैं कि असलियत ये है कि आपकी जो पंजाबियत है उसको बचाने वाले इस प्रदेश में आपके सामने जो मुख्यमंत्री जी चन्नी जी हैं वो है। आपकी पंजाबियत को बचाने वाले कांग्रेस के तमाम लीडर, बिट्टू जी जैसे, अमित जी जैसे, यहाँ मौजूद जैसे जितने भी लीडर हैं उनके जैसे, ये है आपकी पंजाबियत को बचाने वाले। क्योंकि ये वो नकली सरदार नहीं है जो मंच पे खड़े होके बनावटी पगड़ी पहनते हैं, ये असली सरदार है, ये असली सरदार है, इनके दिलों में पंजाबियत है, हिम्मत वाले हैं। चन्नी जी ने 111 दिन में जितने हिम्मत वाले ठोस निर्णय लिए हैं, आप मुझे कोई भी सरकार दिखा दीजिए इस पूरे देश में जिसने 111 दिनों में इतना काम किया हो। इनके क्या काम रहे 111 दिन में? 6400 करोड़ किसानों को का कर्जा माफ किया है, 1500 करोड़ के बिल माफ किए हैं बिजली के, किसानों को मुफ्त बिजली दी है, बिजली की रेट 3 रुपए यूनिट की है, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट, पानी के दाम ग्रामीणों के इलाकों में घटाकर 50 रुपए मास प्रति माह कर दिया है, शहरों में जो वाटर सप्लाई है, जो सुएज का सप्लाई है, उसके 700 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए हैं, गौशालाओं में बिजली के बिल माफ किए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, 3.5 लाख कंस्ट्रक्शन के श्रमिकों को 3,100 रुपए दिए गए हैं, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए 60 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं,
दलित परिवारों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री की है, रसोईया बहनों को का मानदेय 3,000 रुपए तक किया है और 12 महीनों के लिए किया है 10 महीनों से बढ़ाकर, 33% सरकारी नौकरी चन्नी जी और हमारी सरकार कह रहे हैं कि आपको महिलाओं के लिए मिलेंगी, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी, जितनी भी सरकारी बसें उनमें आपको टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा, पंचायतों में आपको 50% आरक्षण मिलेगा। और आगे बढ़कर हम ये कह रहे हैं कि हम 1,00,000 रोजगार बनाना चाहते हैं और जो बेरोजगार नवयुवक है उसको 1,100 रुपए प्रति माह मिलेगा ताकि वो कम से कम अपने पैरों पे थोड़ा खड़ा होना शुरू करे। जरूरतमंद परिवारों को हर साल 8 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। माफ करिए, बेरोजगार नौजवानों को नहीं, महिलाओं को प्रति माह 1,100 रुपए का मिलेगा, महिलाओं को, माफ करिए। सरकारी अस्पतालों में 20,00,000 तक मुफ्त इलाज होगा। पंजाब में सभी निवासियों को 100 दिन का रोजगार का गारंटी मिलेगा, मतलब आप सबको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। आंगनबाड़ी की बहनों का मानदेय 10,000 रुपए प्रति माह होगा। सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप मिलवाए जाएंगे। इस पे मैं मुझे ज्यादा खुशी है क्योंकि ये हमने यूपी में ये पहली घोषणा हमने यही की थी और मुझे खुशी है कि यहाँ पंजाब में भी यही है। तो देखिए, हम काम करके दिखाना चाहते हैं। हमें मालूम है कि जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी उसमें खामियां थी, उनको दुरुस्त करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसीलिए चन्नी जी आज आए हैं आपके सामने और इतनी तेजी से उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं। किस लिए की हैं? आपके लिए की हैं, क्योंकि ये सरकार जो है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो आपके लिए काम करती है, किसी और के लिए नहीं काम करती। अपने लिए नहीं कि अपने आप को आगे बढ़ा दिया, भूल गए कि स्टेज पे बिठाने वाले, नेता बनाने वाले कौन हैं? आप ही हैं। आप पब्लिक हैं, आपने बहुत शक्ति है, बहुत समझदारी है। अब आपके सामने एक मौका आ रहा है, चुनाव है, आप जो निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपका भविष्य तय होगा। यहाँ मेरी इतनी सारी बहनें हैं, आप बच्चों की परवरिश करती हैं, मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, क्यों करती हैं? आप चाहती हैं कि आपकी बेटियाँ आपकी तरह संघर्ष ना करें, आप चाहते हैं कि आपके बेटे आपकी तरह संघर्ष ना करें, उनका भविष्य बने, मजबूत बने, आगे बढ़े, है कि नहीं? सब यही चाहते हैं। तो अब उनके भविष्य को मजबूत कैसे बनाएंगे अगर हम इस तरह की राजनीति को चलने दें जिसमें झूठों की राजनीति है, जिसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, बड़े बड़े विज्ञापन हैं, लेकिन असलियत में काम कुछ नहीं है, जो अपने लिए चलती है, पब्लिक के लिए नहीं, जो ये समझती नहीं है कि चुनाव के बाद भी कुछ होता है, सिर्फ चुनाव के समय घोषणाएं और ये सब बातें नहीं। अगर आप इस तरह की राजनीति को हमेशा समर्थन देते रहेंगे धर्म के आधार पर या अपने जज्बातों के आधार पर या ये सोचकर कि चलो इनको ट्राई कर लेते हैं, कुछ नया आ जाएगा, तो आप अपने प्रदेश का नुकसान करते हैं। आपको जो नई सरकार देने वाले हैं ना, वो चन्नी जी हैं, वो नई सरकार दे रहे हैं आपको। आपने उस नई सरकार का अनुभव 111 दिन में कर लिया, देख लीजिए कितनी हिम्मत से उन्होंने फैसले किए हैं। जो ड्रग माफियाओं के सामने झुकते हैं ना, चन्नी जी ने ड्रग माफिया का सामना किया है, हिम्मत वाले फैसले किए हैं। इसीलिए मन बना लीजिए कि आप एक कांग्रेस की सरकार लाएंगे पंजाब में, एक स्थिर और मजबूत सरकार लाएंगे जो 5 सालों के लिए आपके हित में काम करके दिखाएगी, तभी आपके प्रदेश का ठीक तरह से विकास होगा। इसी में आपकी सुरक्षा है, इसी में आपका भविष्य है, इसी में आपकी मजबूती है और इसी में आपकी पंजाबियत है। आप सबने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।